हेलो दोस्तों, मैं निवेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन से किसी भी प्रिंटर में प्रिंट निकाल सकते हो। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास इंकजेट प्रिंटर हो, लेजर प्रिंटर हो, इंक टैंक प्रिंटर हो, इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी प्रिंटर में किस तरीके से अपने फोन को यूज करके प्रिंट्स निकाल सकते हो, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो मेरे पास कैनन MG2470 सीरीज प्रिंटर है। अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड बहुत सारे वीडियोस दे रखी हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है ना, तो आई कार्ड में लिंक आ रहा है, जाकर के देख लेना। तो इस वीडियो पे हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, मैं आपको दो एप्लीकेशन यूज करके दिखाने वाला हूँ फोन पर। एक कैनन का ऑफिशियल ऐप रहने वाला है एंड दूसरा एक थर्ड पार्टी ऐप है। तो चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फोन से प्रिंट निकालने के लिए ना हमें एक बहुत ही नेसेसरी चीज चाहिए, जो आप देख सकते हो मेरे टेबल पर रखा हुआ है। इसे कहते हैं OTG केबल। ये है OTG पोर्ट। मेरे पास दोनों अलग अलग टाइप के हैं, एक है टाइप सी के लिए, एक है माइक्रो USB के लिए। तो माइक्रो USB वाला मैं यूज नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अभी जो मेरे पास फोन है इस पे टाइप सी सपोर्ट करता है। तो ये आप आसानी से मार्केट में ले सकते हो, 15-20-30 रुपए का आपको मिल जाता है। ये दो तरह की चीजें आप ले सकते हो मार्केट से आपके फोन पे। अगर माइक्रो USB पोर्ट है तो ये ले लेना, अगर आपके पास टाइप सी पोर्ट है तो ये भी ले सकते हो। एंड इसमें भी टाइप सी वाला आता है, इस तरीके का डिजाइन का। फिलहाल मेरे फोन पे दिया गया है टाइप सी पोर्ट, ये है पोको M4 प्रो 5G। तो देख सकते हो इस पे ये लग जाता है। तो चलो इसे रखते हैं फिलहाल यहाँ पे। अब आते हैं कि आपको दो एप्लीकेशंस कौन से है जिसको आपको अपने फोन पे इंस्टॉल करना है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, आपको बगल में दिखता रहेगा। प्ले स्टोर पे जाना है आपको अपने फोन के, एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कैनन प्रिंटर ऐप। कैनन प्रिंटर ऐप आपको यहाँ पे आ जाएगा, कैनन प्रिंटर इंकजेट इंस्टॉल करते हैं। एंड इस ऐप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ना, वो मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। अभी मैंने अपने प्रिंटर को स्विच ऑन कर रखा है, यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक कर रहे हैं, इसके ऊपर मैंने पेपर भी डाल रखा है, ये ऑलरेडी है, सेटअप है, पावर से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, चलो इसे ओपन कर लेते हैं। आपके लाइसेंस यूजर एग्रीमेंट आएंगे, इसको आपको एग्री कर लेना है, एग्री कर लेना है। जितने भी यहाँ पे परमिशंस मांगेंगे वाइल यूजिंग द ऐप, अलाउ कर दो। यहाँ पे आपको लोकेशन का जो भी फंक्शन मांगेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है ना, यू मे नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू द प्रिंटर बिकॉज लोकेशन सेटिंग ऑन योर स्मार्टफोन आर डिसेबल्ड। डू यू वॉन्ट टू इनेबल लोकेशन सेटिंग? तो यस करते हैं। अगर आप इनेबल नहीं करोगे तो आपका प्रिंटर यहाँ एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये कह रहा है। चलो ठीक है, इसे यहाँ से परमिशन दे देते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि सर्च फॉर अवेलेबल प्रिंटर्स, चलो सर्च करते हैं। इस ऐप का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि इस ऐप पे ना बस आप यूज कर सकते हो वाईफाई प्रिंटर को प्रिंट निकालने के लिए। ये है कैनन MG2470। इस प्रिंटर पे वाईफाई नहीं है, इस पे आपको डेटा केबल मिलता है जो आप अपने PC या लैपटॉप पे निकाल सकते हो कनेक्ट करके। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि ये सर्च कर रहा है, यानी कि ये ब्लूटूथ से सर्च करेगा या फिर वाईफाई से सर्च करेगा, एंड अवेलेबल नियर बाई जितने प्रिंटर्स है वो यहाँ पे शो करेंगे। बट इस पे वाईफाई है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ये तभी से सर्चिंग कर रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्या इसके केबल को डायरेक्टली OTG से कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या ये सपोर्ट करता है। तो ये रहा, आप देख सकते हो ये प्रिंटर का केबल। सबसे पहले आपको करना क्या है ना, आपको इसे OTG वाले में लगा देना है इस तरीके से। ये रहा, मैंने कनेक्ट कर दिया है। एंड अब आपको दूसरे वाले को लगाना है अपने फोन पर। मैंने फोन पे इस तरीके से कनेक्शन कर दिया है। तो गाइज, मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया है, ये सर्चिंग करता रहेगा, बट इसे कोई डिवाइस नहीं मिलेगा। अब क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड योर प्रिंटर मैनुअल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। ऐड योर प्रिंटर सबसे नीचे आप देख सकते हो, इस पे चलते हैं। एंड इस पे क्या है ना, अब आप देख सकते हो मोर पे चलूंगा तो यहाँ पे आपको कोई प्रिंटर शो ही नहीं करेगा। इसे मैंने कनेक्ट करके रखा है इसके वायर से, सर्च भी करूंगा, बट यहाँ पे आपको कोई प्रिंटर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये एक वाईफाई प्रिंटर नहीं है। तो सबसे बड़ा डिमेरिट इस एप्लीकेशन का यही है कि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ वाईफाई इनेबल्ड प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हो। नोको प्रिंटर नाम का एक ऐप है, देखो नोको प्रिंट, यहाँ पे आपको इस ऐप को मिल जाएगा नोको प्रिंट। एंड इस पे 50 लाख प्लस डाउनलोड है। मैंने बहुत सारे ऐप्स ट्राई किए हैं, बहुत सारे ऐप्स में कुछ डिमेरिट्स थे, बहुत सारे ऐप्स में कुछ बग्स थे, इसलिए मैंने इसे फाइनलाइज किया कि इसे आप प्रिंट कर सकते हो बहुत अच्छे क्वालिटी में, बहुत सारे सेटिंग्स भी मिल जाते हैं। इसे इंस्टॉल कर लेते हैं एंड देखना कितने आसान तरीके से आप अपने फ़ोन से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फोटो को यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हो। चलो, ये प्रिंट ऐप हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है, ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका ये ओपन हो रहा है, प्रोसेसिंग शो कर रहा है। अभी इसे हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब करना क्या है ना, चलो अब मैं आपको इसे लगा करके दिखाता हूँ। हमारा प्रिंटर ऑन है, हमारा डेटा केबल यहाँ पे कनेक्टेड है। अब नीचे आपको जो आइकन दिख रहा है नॉट सेलेक्टेड का, इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाईफाई प्रिंटर्स का ऑप्शन है, बीच वाले में आप जाओगे तो यहाँ ब्लूटूथ प्रिंटर्स का ऑप्शन आएगा, एंड सबसे लास्ट में जाओगे तो USB प्रिंटर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको नो प्रिंटर फाउंड शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये केबल खुल चुका था, इसलिए यहाँ शो नहीं कर रहा था। जैसे मैं इसे यहाँ पे लगाऊंगा, आप स्क्रीन में देख सकते हो
नोको प्रिंट, ओपन नोको प्रिंट टू हैंडल MG2400 सीरीज। तो ये MG2470 प्रिंटर है, 2400 सीरीज का एक प्रिंटर है, यहाँ पे सर्च कर रहा है। ऑलवेज ओपन नोको प्रिंट वेन MG2400 सीरीज इज कनेक्टेड। ओके कर देते हैं। यहाँ पे हमारा कैनन MG2400 सीरीज शो करने लगा है, तो इस पे क्लिक करते हैं, यूज जेनरिक करते हैं। चलो, प्रिंटर हैज बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब आपके फोन पे इस ऐप पे प्रिंटर जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया गया है, हो चुका है। ओके करते हैं। तो हमारा प्रिंटर कॉन्फ़िगर हो चुका है, नीचे आपको कैनन MG2400 सीरीज शो कर रहा है। उसी तरीके से आपका जो भी प्रिंटर रहेगा नीचे आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। अब आपको क्या है ना, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फोटोज एंड इमेजेस प्रिंट करने के, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के या वेब पेजेस प्रिंट करने के। फोटोज एंड इमेजेस पे चलते हैं। तो चलो गाइज, मैंने यहाँ पे एक फोटो सिलेक्ट कर लिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब क्या है ना, आपको यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे अभी आप नीचे देख सकते हो A4 नॉर्मल पे सिलेक्ट किया हुआ है, इसे क्लिक करोगे तो आपको कितने कॉपीज चाहिए, एक पीस, दो पीस, पांच पीस, दस पीस, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल एक चाहिए। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट निकाल रहे हो, ठीक है, उसमें आप पेजेस सिलेक्ट करोगे ना तो सारे पेजेस निकाले, मान लो 30 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है तो सारे 30 के 30 निकल जाएंगे अगर ऑल पे सिलेक्ट रहेगा। ऑड पे रहेगा एक पेज, 3 नंबर का पेज, 5 नंबर का पेज, 7 नंबर का पेज, 9 नंबर का पेज, 11 नंबर का पेज, एक एक छोड़ करके ऑड नंबर्स के पेजेस सिर्फ निकलेंगे। अगर आप इवन चाहते हो तो इवन निकलेगा, सेलेक्ट करके रखोगे तो सिलेक्टेड निकलेगा। इस तरीके के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। रेंज पे जाओगे तो आप चाहते हो कितने से कितने पेज तक, 1 से 10 पेज तक, तो सिर्फ 1 से 10 पेज तक प्रिंट आएंगे। प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि नीचे से ऊपर प्रिंट होंगे, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर पाओगे। मल्टी पेज प्रिंटिंग का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, इसके अंदर आपको डबल साइडेड प्रिंटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। साइज एंड लेआउट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आप इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, इमेज साइज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। 20x30 मैंने कर दिया ना, तो आप देखो फोटो अलग सा यहाँ पे साइज हो चुका है। एंड आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखता रहेगा, यहाँ पे ये चीज आपको पता चल पाएगा किस तरीके से आपका यहाँ पे फोटो आने वाला है। तो मैं फुल पेज पे कर देता हूँ, उसके बाद देखो आप हमारा फुल पेज पे ये प्रीव्यू शो कर रहा है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेज ओरिएंटेशन का, किस तरीके से आप चाहते हो, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट फॉर्मेट में। इमेज स्केलिंग, क्रॉप टू फिट चाहते हो, स्केल टू फिट चाहते हो, तो मैं सोचूंगा स्केल टू फिट करता हूँ, पेज पे अच्छे तरीके से सेंटर पे आ जाए। अब करते क्या है, आपको यहाँ और भी नीचे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, लाइक मार्जिन्स आपको कैसे चाहिए, क्या आपको प्रिंटेबल एरिया चाहिए, नो मार्जिन्स चाहिए, जिसे बॉर्डरलेस प्रिंटिंग कहते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ नॉर्मल मार्जिन्स एंड सेलेक्ट कर देता हूँ। अब हमारा फोटो है ना एकदम सेंटर पे आ गया उस पेपर के। फिर आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, A4 साइज का आपका पेपर है, लेटर साइज है, लीगल साइज है, A5 साइज है, तो आप यहाँ पे जितने भी नेसेसरी आपके जो यहाँ पे चेंजेस करने हैं आप कर लेना। मैंने यहाँ पे कर रखा है, अब आपको नीचे प्रिंट का ऑप्शन शो कर रहा है। चलो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट पे मैंने क्लिक किया है, प्रिंटिंग 1 of 1 एंड मेरा प्रिंटर शुरू प्रिंट निकलेगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि पहले में प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, फिर फटाफट से निकलने लगते हैं। तो अभी आप देखो कितना टाइम लगता है, अब देख सकते हो अब जाके हमारा शुरू हो चुका है एंड प्रिंट होना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप फोटो पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप कोई अपना फोटोज निकाल रहे हो ना तो ग्लॉसी पेपर अगर आपने प्रिंटर पे डाला है तो ग्लॉसी सिलेक्ट कर लेना। नॉर्मल A4 साइज का पेपर है, रफ पेपर है, तो आप इस तरीके से भी प्रिंट निकाल सकते हो। ये रहा गाइस, प्रिंट जॉब हैज बीन सेंट टू द प्रिंटर। ओके, हमारा प्रिंट यहाँ पे निकल के आ चुका है। मैं आपको प्रिंट क्वालिटी दिखा देता हूँ, ये रहा हर घर तिरंगा, काफी अमेजिंग यहाँ पे प्रिंट क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। आप फोन पे प्रिंट निकाल सकते हो, जैसे आप कोई अपने लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर पे प्रिंट निकालते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, टेंशन मत लो, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तब पर भी आप अगर प्रिंटर लेने की सोच रहे हो तो आप ले लेना। आप अपने मोबाइल फोन से कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई PDF हो गया, कोई फोटोज हो गए, सब आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आप स्टडीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको बहुत सारे नोट्स निकालने पड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स निकालने पड़ते हैं, तो अब आपको बार बार कैफे जाने की जरूरत नहीं है, दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, प्रिंटर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अपने फोन पे डाउनलोड करके फोन से ही इस तरीके से नोको प्रिंट ऐप यूज करके आप प्रिंट्स निकाल सकते हो, जो बिल्कुल सेम निकलेंगे जैसे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे निकलते हैं। मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो, कलर, फॉर्मेट, क्वालिटी, पेज साइज, सब चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ A4 नहीं, A5 साइज और भी बहुत सारे लीगल साइज, लेटर साइज, जो भी साइज के पेपर आप इसमें डालोगे, आप सेटिंग्स में सिलेक्ट करके आप वहां से प्रिंट निकाल सकते हो।
सो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि फ़ोन से कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं अपने प्रिंटर में, आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, एंड जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।